सो गाइज, मैंने कंटेस्टेंट को बोला है कि अगर कोई नहीं जीतता है तो ये सारे कंटेस्टेंट 100-100 रुपये अपनी जेब से मुझे देंगे। खर्चा कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ तो खर्चा निकलना चाहिए, ठीक है। हाय गाइज एंड वेलकम बैक इन आशुतोष सागा। सो गाइज, आज मैंने कुछ अलग तरह का चैलेंज रखा है। सो इसमें क्या है, जैसा आप देख रहे होंगे, मे बी शायद आपको कुछ आइडिया लग जाए। तो बेसिकली इसमें मैंने 5 कैंडल रखी हैं, ठीक है, और इन कैंडल को अभी मैं जलाऊंगा। और जलाने के बाद क्या करना है, जो भी कंटेस्टेंट होगा वो आपकी इस लाइन पे बैठेगा, यहाँ पे बैठना है। यहाँ से बैठ के इन 5 मोमबत्ती को, जो जलती हुई मोमबत्तियाँ होंगी, उनको ऑफ करना है, मतलब फूंक के बुझाना है। और जो 5ों बुझा देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये मिलेंगे। इसलिए मैं 100 रुपये ज़्यादा नहीं रखना चाहता, क्योंकि पैसा ज़्यादा देने पे लोग बिगड़ जाते हैं और इनको फिर पैसे की लत लग जाती है कि मेरी जेब से जाएगा तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कंटेस्टेंट आ चुके हैं, मैं इनको रूल बता दूँ। ये लाइन है, ये आपकी लाइन है, यहाँ पर आपको बैठना है। यहाँ बैठ के ये जो 5 मोमबत्ती दिख रही हैं, इसको एक बार में फूंकना है और सारी की सारी ऑफ होनी चाहिए, सारी बुझनी चाहिए। अगर एक भी मोमबत्ती रह गई तो वो जो 100 रुपये रखा हुआ है यहाँ पे, वो आपको नहीं मिलेगा। तो यही तो चैलेंज है, तो यही तो चैलेंज है। वरना क्या बोले कि आप एक एक करके ऑफ करेंगे, तो ये डिपेंड करता। ये देखिए, ये हमारी मम्मी पहले ही आके बैठ गई है और इनाम मैंने 100 रुपये रखा, ये करी कि हमें 500 चाहिए, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम 2 बार चांस देंगे कि 2 बार में इनको सारी कैंडल ऑफ करनी है। अगर ऑफ करते हैं तो इनको 100 रुपीज मिलेगा, अदरवाइज 0, ठीक है। तो आ गए हैं पहली कंटेस्टेंट मेरी मम्मी। ले चलता हूँ आपको उनके पास, पर वो अभी जीत पड़े हैं कि मुझे 100 रुपये नहीं, 500 रुपये चाहिए। चलिए चलते हैं। तो मम्मी, 2 चांस मिलेंगे तुम्हें, 2 चांस में तुम्हें पूरे सारे ऑफ करने हैं। अगर सारे ऑफ हो गए तो ठीक, अदरवाइज तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो फूको। जो हमारी फर्स्ट कंटेस्टेंट है मेरी मम्मी, वो केवल 2 कैंडल्स ऑफ कर पाएं। इनको हमने दोबारा चांस दिया है कि दोबारा सेकंड चांस में भी अगर 5 बत्तियां ऑफ होंगी तभी इनको 100 रुपये मिलेंगे, अदरवाइज टाटा बाय बाय। सो स्टार्ट, सो आपको ले चलते हैं इनके पास, सेकंड चांस स्टार्ट कर। आपको पागल कर देंगे, कह रहे हैं कि 200 रुपये चाहिए, बताइए जीते हैं नहीं 200 रुपये चाहिए। चलिए हम बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। अगले कंटेस्टेंट आ गए हैं, चलिए ले चलते हैं आपको उनके पास। हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ गए हैं, सो लेट्स सी ये कितनी ऑफ करते हैं। गड़बड़ 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 रॉन्ग है। तो एक बार में फूकना, ये नहीं कि 2 बार ऐसे फूकते रहोगे तुम जिंदगी भर। सो गाइस, सेकंड कंटेस्टेंट अपना 1 चांस लूज कर चुके हैं, इनको 2रा चांस देते हैं। सो गाइस, कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है, कोई भी इस कैंडल को ऑफ नहीं कर पा रहा है। सो ये सेकंड चांस है सेकंड कंटेस्टेंट का, आई होप ये इनसे हो जाए, देखते हैं। 1, 2, 3 तो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं सेकंड कंटेस्टेंट भी केवल 3 कैंडल ऑफ कर पाए, 2 अभी भी रह गई है। बुलाते हैं थर्ड कंटेस्टेंट को, देखते हैं वो क्या करते हैं। सो गाइस, मैंने कंटेस्टेंट को बोला है कि अगर कोई नहीं जीतता है तो ये सारे कंटेस्टेंट 100-100 रुपये अपनी जेब से मुझे देंगे, क्योंकि भाई मैं भी कैंडल अंडल लाया हूँ, सारा खर्चा कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कुछ तो खर्चा निकलना चाहिए, ठीक है। तो हमारे नए कंटेस्टेंट आ गए हैं, चलते हैं उनकी तरफ। Yeah.
सो गाइस ये थर्ड कंटेस्टेंट केवल एक पहली ही कैंडल ऑफ कर पाए, इनको हम सेकंड चांस देते हैं। चलिए इनको सेकंड चांस दिया जाता है। सी लग रहा है कोई आत्मा है। सो गाइस हम अपने थर्ड कंटेस्टेंट को सेकंड चांस देते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सो गाइस ये सेकंड चांस भी क्यों लेके मत ही बुझा पाए। कोई नहीं, बुलाते फोर्थ कंटेस्टेंट को अपने। वो तो थिंग सा डिपेंड ऑन कविता, लेट्स सी। सो भैया हमारे फोर्थ कंटेस्टेंट आ गए हैं, तो भैया इनका स्वागत करते हैं और इनको भी हमें दो चांस दिया हुआ है, तो देखते हैं भैया इनका क्या होता है। तो भैया तैयार हो ना भैया, आप तैयार हो ना? चलो भैया चलो चलो फूको भैया। बे तो ये पहली कैंडिडेट में फुस हो गई, चलिए इनको दूसरा चांस देते हैं। सो गाइस लास्ट कंटेस्टेंट का लास्ट चांस, आई होप ये शायद सारे कैंडल्स ऑफ कर पाए। लेट्स सी। सो गाइस केवल एक कैंडल बुझाए, वो भी एक गिरा भी दी, पता नहीं क्या हुआ इनको। आज तो मैंने इन लोग को आम भी खिलाए थे कि कुछ ताकत आ जाए, पर उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। ब्लॉग में जो चैलेंज करा कैंडल वाला, मैंने खुद ने मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी शायद ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। एंड करता हूँ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ नया चैलेंज ढूंढेंगे, फिर करेंगे, जिसमें कुछ हंसी मजाक भी हो, सबको अच्छा लगे, फैमिली भी एंजॉय करे, आप लोग भी एंजॉय करो। सो तब तक के लिए अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, तंदुरुस्त रहिए, प्लीज़ अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।